तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपके लिए फिफ्थ चैप्टर लेके आया हूँ, ओशियनोग्राफी। राइट, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से मैंने वही उठाए हैं, ठीक है। और वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उनको पढ़िए और मेरे को बताइए वीडियो कैसी लगी, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें आप पहला क्वेश्चन देखते थे, डेटम लाइन। डेटम लाइन बेसिकली है क्या? डेटम लाइन जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है बेसिकली। आपका एक ये रेफरेंस पॉइंट है, राइट। एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर क्या मेजरमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो सर्वेइंग होती है, जहाँ पर हम सर्वे करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली डेटा में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। और ये एक बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें मतलब हाइट्स और डेप्थ्स होती है, मतलब जहाँ पे हाइट और डेप्थ मतलब मेजर कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका ए है। बोलो ना, जैसे इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर हाइट्स एंड डेप्थ्स आर मेजर्ड, ठीक है। तो डेटम लाइन बेसिकली आप कह सकते हैं एक ये मेजरमेंट, एक मेजरमेंट का टूल है ये, जो मतलब हाइट और डेप्थ मेजर करता है ये, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर होता है ये पॉइंट, हम वहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हम फिर हम ये मेजर करते हैं हाइट और डेप्थ, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। वेयर इज 90 ईस्ट रिज सिचुएशन। 90 ईस्ट रिज सिचुएशन कहाँ पर है ये सिचुएटेड आपका? ये बेसिकली ये क्या है आपका, ये 90 ईस्ट रिज सिचुएशन आपका एक ये जोग्राफिकल फीचर है इंडियन ओशन के फ्लोर पर। ये आपका क्या है? ये आपका एक जोग्राफिकल आपका एक जोग्राफिकल फीचर है ये, कहाँ पर? इंडियन ओशन पर। ठीक है, और ये कहाँ पर ये सिचुएटेड है बेसिकली? ये आपका इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, जिसमें मैंने आपका आंसर यहीं पर दे दिया है। जोग्राफिकल फीचर है इंडियन ओशन पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टर्की इज सिचुएटेड बिटवीन। टर्की कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब किस किस बीच में सिचुएटेड आपका ये? इसका आंसर वैसे तो बेसिकली ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर आपका टर्की सिचुएटेड है इन दोनों के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और टर्की बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट एशिया में। ये आपका वेस्ट एशिया में आपको ये मिलेगा टर्की, वहाँ पर सिचुएटेड है ये। ठीक है, तो बस हमें यही इसका आंसर जाना था। ऐसे ही ये आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको ये सीजीएल में पूछा गया था। आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन इजीली देखने को मिल सकता है, और सेम ऐसे ही मतलब वन लाइनर आपका क्वेश्चन था ये। बस आपको ये याद रखना था मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है वो, जैसे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें, टर्की मतलब किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है ये वेस्ट एशिया की डायरेक्शन में सिचुएटेड है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर। चलते हैं क्वेश्चन फोर पे। क्वेश्चन फोर आपका क्या कहता है कि सरगासो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। सरगासो बेसिकली रिलेटेड है ये किस ओशन से? सरगासो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सरगासो आपका एक इमेजिनरी सी है ये, क्या है आपका ये? अगर आपसे इसका कोई पूछे कि वॉट इज सरगासो, तो आप बताएंगे कि सरगासो इज अ इमेजिनरी, ये आपका इमेजिनरी सी है आपका ये, ठीक है। कहाँ पर? नॉर्थ एटलांटिक ओशन में आपका ये पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर फाउंड होता है आपका ये? बी इसका आंसर है साउदर्न पैसिफिक, सॉरी ये आपका नॉर्दर्न पैसिफिक में पाया जाता है, ठीक है। सरगासो रिलेटेड है बेसिकली, ये एक इमेजिनरी सी है, आप ध्यान रखना। और ये किस ओशन में पाया जाता है? नॉर्दर्न पैसिफिक में, ठीक है। और बेसिकली जो सरगासो में बताया जाता हूँ, सरगासो नेम मतलब कहाँ से लिया गया? एक सरगासो नाम से ग्रास होती है, एक घास होती है सरगासो नाम से, तो वहाँ से ये सरगासो वर्ड लिया गया है, ठीक है। सरगासो ग्रास से ये वर्ड लिया गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सरगासो ग्रास से ये वाला वर्ड फॉर्म हुआ आपका ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ आपका क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर अराउंड RLC।
ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री जो मतलब RLC के अराउंड है। RLC सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। RLC बेसिकली ये कजाकिस्तान से मतलब घिरा हुआ है। ये किससे? कजाकिस्तान। ये आपका किससे घिरा हुआ है? कजाकिस्तान। RLC आपका कजाकिस्तान से घिरा हुआ है और अजबैकिस्तान से। दूसरा आपका है अजबैकिस्तान, ठीक है, इन दोनों से घिरा हुआ है। तो यही एक पेयर हमारा बच रहा है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट हमारा पेयर है जो इन दोनों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर आपका ए है, ठीक है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि नासा ने रिवील किया था, मतलब फर्स्ट टाइम उसने बताया था कि जो ये RLC है आपका, ये कम्प्लीटली मतलब सूखा हुआ है, मतलब ये मतलब ड्राइड अप है, मतलब ये ठीक है, पूरी तरह से मतलब एक सूखा हुआ सी है ये समुद्र। RLC बेसिकली आपका एक समुद्र है जो नासा ने मतलब एक बार रिसर्च की इस चीज़ को मतलब फाउंड किया था, और उन्होंने देखा था कि मतलब ये एक सूखा हुआ सी समुद्र है, मतलब जिसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका ए है। चलते हैं क्वेश्चन सिक्स पे। इसमें क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो भी मतलब हवाएं चलती है एक रेगुलर डायरेक्शन में, तो मतलब किस पर निर्भर करती है बेसिकली, जो चेंज आता है मतलब जो डायरेक्शन है मतलब हवा बदलती रहती है इंडियन ओशन में, वो किसकी वजह से मतलब ये सब होता है? ये सब आपका होता है मानसून ड्रिफ्ट। इंडियन ओशन है मानसून ड्रिफ्ट। इंडियन ओशन में क्या मानसून ड्रिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से ये जो चेंज होता है मतलब डायरेक्शन में जो हवाएँ हैं मतलब, तो ये मानसून ड्रिफ्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, सिक्स को। चलते हैं क्वेश्चन सेवन पे। क्वेश्चन सेवन आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। कोल्ड करंट इनमें से आपका कौन सा नहीं है, आपको इसमें से ये बताना है। तो इसका आंसर जैसे मैं बताया तो आपका इसका आंसर है अगुलास। अगुलास इज द करंट आंसर विच इज नॉट अ कोल्ड करंट, जो कि आपके एक कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगुलास करंट बेसिकली आपकी एक वार्म है, मतलब काफ़ी गर्म है मतलब नेचर में, और ये आपकी क्या है, और बाकी आप ये तीनों ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, तीनों ये तीनों आपकी क्या कोल्ड करंट है मतलब ये, और बाकी अगुलास है ये आपकी एक वॉर्म वॉर्म करंट बोल सकते हैं आप इसको, ये आपकी वॉर्म करंट है जो मतलब फ्लो करती है। ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, मतलब फ्लो करती है किस डायरेक्शन में, ये फ्लो करती है फ्लो इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आप इसका एक और क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये पूछा जाता है अगुलास एक वॉर्म करंट है जो फ्लो करती है इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सैलाइन। सैलाइन मतलब काफ़ी खारा है, मतलब काफ़ी नमक है उसके अंदर, तो वो कौन सा है? डेड सी। बेसिकली आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है ये, आपका ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप ऐसे ही पूछा जाता है कि मोस्ट सैलाइन कौन सा है। डेड सी इज़ द मोस्ट सैलाइन, ठीक है। डेड सी इज़ द मोस्ट सैलाइन सी, ये एक ऐसा समुद्र है जो काफ़ी मतलब खारा है, इसमें काफ़ी नमक है मतलब देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, मतलब डेड सी कहाँ पर मतलब फाउंड, मतलब कहाँ पर पाया जाता है ये डेड सी, तो आप इसका एक आंसर और याद रखना, ये आपको मिलेगा, ये जॉर्डन एक कंट्री है, जॉर्डन और इसराइल, जॉर्डन और इसराइल के बीच में आपको डेड सी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कितने टाइम्स, एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये कितने टाइम्स मतलब सोल्टर है, मतलब कितने टाइम मतलब खारा है ये जो बाकी और समुद्र है, तो इसका आंसर ये बता सकते हैं कि 8 टाइम्स, अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइम्स मतलब ये खारा है, तो इसका आंसर बोलना आप 8 टाइम्स ये खारा है। तो देख सकते हैं तीन क्वेश्चन बन गए इसमें से आपका। पहला क्वेश्चन था कि मोस्ट सैलाइन कौन सा है, डेड सी आपको बताना है, और इसकी लोकेशन पूछ सकता है, मतलब कहाँ पाया जा सकता है ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में आपको देखने को मिल सकता है डेड सी, और ये 8 टाइम्स क्या है, 8 टाइम्स खा रहा है जो बाकी जो दूसरे समुद्र है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नाइन्थ।
क्वेश्चन नाइन्थ क्या कहता है इसमें कि टाइड्स अकर इन ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग सीजन्स। ठीक है, टाइड्स आप देख सकते हैं, टाइड्स जो भी मतलब ऊंची ऊंची जो लहरें आती है मतलब किस ओशन में समुद्र में, समुद्र मतलब किसकी वजह से आती है। ठीक है, बेसिकली आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ओशियन और सीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओशियन जो है और सीज है मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीज है जो सीज है मतलब समुद्र, वो ओशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था कि ऐसे कौन से मतलब बड़े ओशन, ऐसे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे बड़े बड़े महासागर हैं। मतलब ये जो जो समुद्र है, समुद्र इस महासागर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आप डिफरेंस जरूर ध्यान रखना, इससे कन्फ्यूज मत होना। तो आप पूछते हैं टाइड्स जो भी बड़ी बड़ी लहरें जो इस तरीके से आती है वो किसकी वजह से आते हैं। ये एक सिंपल एक लॉजिकल और एक फिजिक्स का ये क्वेश्चन बनता है। ये आपके जो ऑप्शन लिखे हैं तीनों, इन तीनों की वजह से ही ये सब होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी वजह से मतलब ये अकर होता है एक तो आपका समुद्र में। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का भी कुछ गुरुत्वाकर्षण होगा। ठीक है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो अर्थ का होता है उसकी वजह से भी ये सब जो टाइड है वो अकर होती है। ठीक है, और करेक्ट सीक्वेंस भी हो सकता है, मतलब करेक्ट सीक्वेंस जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ये ए बी एंड सी इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, इसका आंसर ये सब चीज़ें हैं। चलते हैं क्वेश्चन टेंथ पे। क्वेश्चन टेंथ आपका क्या कहता है, द रिवर ड्यू, एक रिवर है ड्यूओ विच फॉल्स इन टू द ब्लैक सी आर। ठीक है, जो एक ब्लैक सी में मतलब गिरती है, एक नदी है जो ब्लैक सी में जाके बहती है। ठीक है, तो वो मतलब उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम है आपका ये डेनिपर डेन्यूब। एक रिवर है, द रिवर ड्यू विच फॉल्स इन द ब्लैक सी आर, उसको हम क्या बोलते हैं, डेनिपर डेन्यूब बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये डेनिपर जो है, जो ये डेनिपर डेन्यूब है, ये आपकी एक तरह की रिवर है और ये काफ़ी लंबी रिवर है। क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन किसकी लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी, ये यूक्रेन की। ठीक है, आपसे दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेनिपर डेन्यूब ये एक लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन की, मतलब कहाँ की रिवर है ये, तो आप बताएंगे इसका आंसर यूक्रेन की एक लॉन्गेस्ट रिवर है ये। ठीक है, जो ब्लैक सी में जाके गिरती है। ठीक है, और डेन्यूब बीच में आप देख सकते हैं, मैंने डेनिपर बताई है खाली, लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन की। और दूसरी इसमें एक रिवर और दी है, इसमें दो रिवर का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पर डेनिपर और एक डेन्यूब, और दूसरा जो डेन्यूब है यहाँ पर, ये डेन्यूब आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, डेनिपर आपकी फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और ये आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन कहाँ की, आपसे लोकेशन पूछ सकता है कहाँ की है, ये आपकी यूरोप की। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूरोप की आप सबसे सेकंड लंबी रिवर का नाम बताएं, तो आप बताएंगे डेन्यूब। ठीक है, और आपसे पूछते हैं यूक्रेन की लंबी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम आपसे पूछा जाए, तो आप बताएंगे ये डेनिपर। ठीक है, डेनिए पर आप नाम बताएंगे, लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन की। तो ये दो क्वेश्चन इससे बन रहे थे, मैंने आपको बता दिए। चलते हैं क्वेश्चन इलेवंथ पे। क्वेश्चन इलेवंथ आपका क्या कहता है, इसमें मैच करना है, इसमें कुछ ओशियनिक ट्रेंच दिए हुए हैं, कुछ लोकेशन दे रखी है उनकी, और उनको हमें करेक्टली मैच करना है इसमें। ठीक है, जैसे सबसे पहली ओशियनिक ट्रेंच इसमें दे रखी है एल यू टी एन आपका, ये एल यू टी एन की आपकी, बस इसमें डायरेक्टली आप याद रखिए, दिमाग में रखना है कि लोकेशन इसकी क्या है, इसके अलावा बाकी आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, LUTN आपकी कहाँ पर है, ये नॉर्थ पैसिफिक में पाई जाती है आपकी। ठीक है, इसका ऑप्शन है सेकंड, नॉर्थ पैसिफिक में आपकी, नॉर्थ पैसिफिक इसका करेक्ट आंसर है इसका, जो मैच है ये। और कैरमाटेक ओशियनिक ट्रेंच है ये आपको कहाँ पर, साउथ पैसिफिक में मिलेगा देखने को, इसका लोकेशन यहाँ पर है साउथ पैसिफिक। ठीक है, और एक है ये सुंडा, इसकी लोकेशन क्या आपकी, इंडियन ओशन, इसकी लोकेशन आपकी इंडियन ओशन है, राइट। साउथ सैंडविच आपको कहाँ मिलेगा, ये साउथ अटलांटिक ओशन। बस आपको इस तरीके से याद रखना है, बेसिकली एक स्टैटिक क्वेश्चन ही है पूरा ये,
और स्टैटिक क्वेश्चन के साथ साथ इसमें चार क्वेश्चन बना दिए आपके, बस आपको लोकेशन ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर ये सब देखने को मिल सकती है। ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आपको CGL में देखने को मिल सकता है, और आपको ये CTET UPTET में क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके पूछते हैं जो आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब चीज़ें होती है, राइट। तो इसलिए ऐसा मेन पॉइंट इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन बन गया जैसे यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं फिर क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच, इसमें से सबसे डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच कौन सा है, ठीक है। 12th क्वेश्चन आपका ये बोलता है, तो इसका आंसर वैसे बेसिकली मैरियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट आपका ओशियनिक ट्रेंच है, और ये एक डीपेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसको अर्थ पर। दूसरा नाम इसका क्या बोल सकते हैं आप इसको, डीपेस्ट डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं कहां पर, अर्थ पर, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान रखना, और जैसे इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि जो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा कि मरियाना जो आपका ट्रेंच है ये मतलब काफ़ी गहरा है, और वो भी किससे, जो माउंट एवरेस्ट की आप हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो भी हाइट है, जितनी भी हाइट है आई थिंक लगभग 8000 ऐसे कुछ करके है अप्रोक्सीमेट, मेरे को याद नहीं है, तो आप उसको एक बार सर्च करना, ठीक है। और मैरियाना ट्रेंच की भी आप हाइट सर्च करना खुद, और फिर मेरे को कमेंट करना ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नहीं मिलता तो फिर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो मैरियाना ट्रेंच जितना ही माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उससे भी ये काफ़ी गहरा है, तो देख सकते हैं मतलब कितना गहरा है फिर आप ये, ठीक है। इसका आंसर आपका मैरियाना ट्रेंच है, राइट। चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 आप क्वेश्चन क्या कहता है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ड्रेनेज एरिया, ये क्वेश्चन तो हर कोई जानता है, वो हर कोई इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार सुना भी होगा। अमेजन एक रिवर है वर्ल्ड की, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया, ठीक है, ड्रेनेज एरिया की टर्म में, ठीक है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी इसको कहा जाता है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बहुत डिफरेंस है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट रिवर भी है, सेकंड, ठीक है, ये आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड में, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होगी आपकी, ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर होगी आपकी नाइल, ठीक है। नील इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और सेकंड आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, लेकिन जो बोला है यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, तो वो आपकी होगी अमेजन, ये आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते थे इसमें। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्या बोलता है, जनरली वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड, कोरल रीफ कहाँ पर मिलते हैं बेसिकली, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आपको बताना है। कोरल रीफ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोरल रीफ का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्टली व्हाट आर कोरल रीफ्स को क्या कहा जाता है, तो आपको इसका सिंपल सा एक स्टैटिक क्वेश्चन, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है कि कोरल रीफ आपका एक अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है, आपका ये अंडरग्राउंड एक इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है, एक लोकेशन के बारे में पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन आपका, आपको यहाँ पर लोकेशन के बारे में, जो लोकेशन है इसकी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये कोरल रीफ देखने को मिल सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लाइमेटोलॉजी में ये मैं आपको डायग्राम मैंने बना के दिखाया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, उसके हिसाब से आप कोरल रीफ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कहाँ पर फाउंड होता है ये उसके हिसाब से, ठीक है।
आपके लिए क्वेश्चन ही होमवर्क है, मेरे को कमेंट करना ये वीडियो देखने के बाद, और इसका आंसर मेरे को कमेंट करना आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 15th क्वेश्चन में चलते हैं। तक हम ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ एक क्वेश्चन इसमें, जैसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली एक कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ग्रेट बैरियर रीफ, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन आपसे चेंज करके आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या बेसिकली, तो आपको ये बताना है, इसको आप बताना वन लाइनर में कि इट इज अ रिमार्केबल वैरायटी, इट इज अ रिमार्केबल वैरायटी, और कहां पर इट इज अ रिमार्केबल वैरायटी ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये वन लाइनर आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई है इसकी, कि एक रिमार्केबल वैरायटी है ये, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपसे दूसरी लोकेशन से पूरी लोकेशन दी नहीं है, बेसिकली एक कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ है, लेकिन इसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के पास, तो आप पूरी तरीके से लोकेशन याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये एक रिमार्केबल वैरायटी है, और दूसरा क्या, ये कोरल रीफ है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये आप ध्यान रखना इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 16th पे। क्वेश्चन 16th आपका क्या कहता है? डॉल्फिन रिंज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? डॉल्फिन रिंज आपका बिलोंग करता है किस महासागर से? तो इसका आंसर बताते हैं डायरेक्टली, इसका आंसर आपका नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक से ये बिलोंग करता है डॉल्फिन रिंज, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है, ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसका याद रखना, इस तरीके से किससे बिलोंग करता है? नॉर्थ अटलांटिक से डायरेक्टली आपको ही बिलोंग करता है, इस तरीके से आप याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा सीजीएल सीएचएसएस जिसमें भी आ सकता है ये, और ये स्टैटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप पूछा जा सकता है ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है सीजीएल में, सीएचएसएल में, जीके का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में से बन सकते हैं, ठीक है। और एक स्टैटिक ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, तो ईजिली इसके आंसर आने के चांसेस हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीजीएल सीएचएसएल के लिए, और ये स्टैटिक क्वेश्चन है ये भी आपका, और ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ अभी स्लाइड में, ठीक है। आपका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है इंडियन ओशन का? ये आपका जावा ट्रेंच है, ठीक है, जावा ट्रेंच, इसका आप ऑप्शन याद रखना, जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन, ये आपको याद रखना। और मैरियाना ट्रेंच जो मैंने आपको बताया था अभी, मैरियाना ट्रेंच ये आपका कहाँ पर है? मैरियाना ट्रेंच ये डीपेस्ट पॉइंट है लेकिन पैसिफिक ओशन का, ये कहाँ का है? ये पैसिफिक ओशन का ये डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, और जावा ट्रेंच है डीपेस्ट पॉइंट इंडियन ओशन का, ठीक है, आप ये चीज याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिफिक ओशन करंट? इनमें से कौन सा पैसिफिक ओशन करंट नहीं है? तो इसका आंसर आपका अगुलास करंट, अभी हमने अगुलास के बारे में डिस्कस किया था, वो आपकी एक, अभी हमने अगुलास के बारे में डिस्कस किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, अगुलास के बारे में डिस्कस किया था, वो यहाँ पे वॉर्म करंट थी लेकिन, ठीक है, और फ्लो होती है ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में, वॉर्म करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा क्या है पैसिफिक ओशन करंट नहीं है ये, और आपका इसका आंसर है अगुलास करंट, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, और ये वॉर्म करंट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है, और बाकी मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई थी, आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन? इनमें से कौन सा क्या पार्ट नहीं है अटलांटिक ओशन का? ये भी एक आपकी स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है बस, ये किसका मतलब पार्ट नहीं है इसका लोकेशन का? इसका आंसर आपका चैगोस रिज, चैगोस रिज एक पार्ट नहीं है अटलांटिक ओशन का, और बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, वो इसके तीनों के, वो इसके जो तीनों ऑप्शन है ये पार्ट है अटलांटिक ओशन के, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है, डीप में जा सकता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा बताने का, मेन आपको पॉइंट याद रखना है,
सिंपल वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वही आपको चीज़ मैंने आपको बता दी है और यही आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉर्म करंट, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। अभी आ गया वॉर्म करंट, अभी अगुलास के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अगुलास ये आपकी वॉर्म करंट है और कुछ मैंने कोल्ड करंट के नाम भी बताया था लास्ट स्लाइड में, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वॉर्म करंट कौन सी है, तो आपकी है फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट एक आपकी वॉर्म करंट है और बाकी जो तीनों दी हुई है, इसका मतलब जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके क्या वॉर्म करंट ही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, बाकी तीनों ये आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रखना। चलते हैं 21 पे। 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, हम बोल्ट करंट फ्लोस, हम बोल्ट करंट फ्लोस टूवर्ड्स, मतलब किस साइड में, मतलब ये फ्लो करता है। इसका एक नाम और बता देता हूँ मैं आपको, अगर नहीं बोला जा रहा किसी से, बेसिकली मेरे को ही बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम बोल्ट करंट बेसिकली एक पेरू करंट है, ये इसका दूसरा नाम ये है। पेरू करंट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरू करंट फ्लोस टूवर्ड्स किस साइड, मतलब ये फ्लो करती है। तो आप इसका आंसर बताएंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन याद रखेंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, और किस साइड आपको इसकी पूरी तरह से लोकेशन ही जाननी है, तो इस तरीके से याद रखिए, ठीक है, और किस साइड फ्लो करेगी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका की साइड फ्लो कर रही है, ठीक है। और अगर पूछा जाए मतलब इसका पोल क्या होगा, मतलब जो फ्लो करेगी ये तो किस पोल की साइड मतलब फ्लो करेगी, तो आपको बताना ये फ्लो करेगा साउथ से नॉर्थ, साउथ नॉर्थ पोल की साइड, ठीक है, कहाँ से, साउथ से नॉर्थ पोल की साइड। सेकंड क्वेश्चन आपका सही बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका पेरू करंट किस साइड फ्लो करता है, उसका आंसर आप बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है उसका मतलब पोल की लोकेशन क्या होगी, आप बोलेंगे साउथ से लेके नॉर्थ की, साउथ नॉर्थ की साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मैं आपको खुद बता देता हूँ कि भाई मैंने कुछ कोल्ड करंट के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पीछे, अभी जो मैंने बता चुका हूँ, तो वही क्वेश्चन है एक कि कुछ एक कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट को मैंने डिस्कस नहीं किया बेसिकली, तो कोल्ड करंट का मैं नाम बताना चाहूँगा यहाँ पे एक, कोल्ड करंट का आप ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, ओयाशियो, क्या नाम है, ओयाशियो बेसिकली कोल्ड करंट है। अभी वॉर्म करंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लोरिडा आपके यहाँ पे वॉर्म करंट है, एक वॉर्म करंट के बारे में और डिस्कस किया था हमने, वो आपकी अगुलास यहाँ पे वॉर्म करंट थी और बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारी कोल्ड करंट थी, कैनरीज, हम बोल्ट और ओयाशियो, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब बेसिकली इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखना, ओयाशियो एक कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरी साइड से, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं फिर आपके लिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड लाऊंगा और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इंस्टाग्राम आईडी पर और फेसबुक आईडी और टेलीग्राम पर आप मेरे को फॉलो कीजिए, नोट्स बाकी आपको सब चीज़ें वहीं मिलेगी, और बाकी जिसको और भी कुछ प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट कर सकता है पर्सनली, मैं उसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं फिर, थैंक यू दोस्तों, तब तक।